बहुत ही टेस्टी इस दाल फ्राई की रेसिपी को, जिसे हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी आता है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं एक कटोरी तुअर की दाल लिया है और एक कटोरी मैंने लाल मसूर की दाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे मैंने एक बार धो लिया है, इसे हम एक बार और धो लेंगे। दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने एक कुकर ले लिया है, इस दाल को हम कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक डाल देंगे, नमक हमें अपने टेस्ट के अनुसार ही लेना है। अब हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसे गैस पे रख देंगे, 3 सीटी आने देंगे फ्रेंड्स, तब तक हम इसे पकने देते हैं। 3 सीटी हो गए हैं फ्रेंड्स, देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम थोड़ा जीरा डाल देंगे, राई, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम प्याज डाल देंगे, इसे भी हम चला लेंगे। प्याज को हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, इसे हम चला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, छोड़ दें। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी धनिया डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें अपना दाल डाल देते हैं, इसे हम चला लेंगे। दाल थोड़ा गाढ़ा है फ्रेंड्स, हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए हमारी ढाबा स्टाइल दाल कितनी अच्छी दिख रही है फ्रेंड्स, इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। इसे हम थोड़ा देर उबलने देंगे। देखिए हमारे दाल में उबाल आ चुका है और ढाबा स्टाइल दाल बनके हमारा तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम हरी धनिया डाल देंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे डिश में निकाल लेते हैं।
अब हम दाल को तड़का लगाएंगे। दाल तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक तड़का पैन ले लिया है। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे। अब हम इसमें अखी लाल मिर्च डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसे दाल पे डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर देंगे। हमारी दाल की खुशबू फ्रेंड्स कितनी अच्छी आ रही है। अब हम हरी धनिया डाल देंगे। देखिए हमारी ढाबा स्टाइल दाल बनके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स करके बताना कि आप सबको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।